आदरणीय नड्डा साहब इसको राजस्थान का अन्न कटोरा कहते थे। जब महाराजा गंगा सिंह जी यहाँ गंग कैनाल लेकर आए और उस समय ये आपके सामने बैठे जो सिख समुदाय के किसान भाई हैं, इन्होंने धरती का सीना चीरना प्रारंभ किया और इस इलाके को राजस्थान में अन्नदाता इलाका बना दिया। मैं कोई लंबी बात नहीं कहूंगा, पर मैं नड्डा साहब आपका हार्दिक आभार करना चाहूंगा। हमें कहा जाता है हम पार्टी विद डिफरेंस, हमारी पार्टी दूसरी पार्टियों से अलग है, पर हमें गर्व के साथ कह सकते हैं हम लीडर, आप लीडर विद डिफरेंस भी है। आज कांग्रेस के बड़े नेता कब छुट्टी मनाने किस देश में चले जाए मालूम नहीं, परंतु आप एक पारिवारिक कार्यक्रम में आए और उस कार्यक्रम के अंदर आपने आज यहाँ की संगत से मिलना तय किया, कार्यकर्ताओं से मिलना तय किया। इस बात को कार्यकर्ता के रूप में कोई भुला नहीं पाएगा। और मैं निवेदन करना चाहूंगा, अभी जिस बुड्ढा झोड़ ने की संगत ने आपका स्वागत किया है, यह हमारे यहाँ की ऐतिहासिक विरासत है। उस मनसा रंगड़ का सर काटने वाले वो लोग सुक्खा सिंह मेहताब सिंह मुगलिया सल्तनत के समय में थे, जो आज बुड्ढा झोड़ की उसमें है। और नड्डा साहब आपको मालूम होगा गलवान के अंदर पिछले दिनों जब चीन की सेना को पीछे हटा रहे थे, उस पीछे हटाने में चीन की सेना को लाखों से मार मार कर उनके बॉर्डर तक पहुंचाने वाले सिख रेजिमेंट के बहुत से परिवार के लोग भी यहाँ हैं। मोदी सरकार ने क्या किया क्या नहीं किया ये सब लोगों को मालूम है, इसके बारे में हम आपके श्री मुख से सुनना चाहेंगे। और ये जरूर कहूंगा कि ये वो इलाका है जिस इलाके में स्वामी नाथन की रिपोर्ट के बाद किसानों को 1.5 गुना एमएसपी का पैसा मिलने लगा। आज किसान का नरमा हो, कपास हो, चाहे गेहूं हो, यहाँ के किसान पैदा करते हैं, एफसीआई उसको खरीदते हैं। पर दुर्भाग्य से एक नड्डा साहब यह वो इलाका है जहाँ राजस्थान की हुकूमत ने सत्ता में आने से पहले 10 दिन में कर्जा माफी की बात कही थी और उस कर्जा माफी की गिरफ्त में आकर यहीं के एक सोनलाल ने ये पड़ोस की जिला कलेक्ट्रेट के सामने लटक कर आत्महत्या की और ये कहकर की कि सरकार के मुकालते में आकर मैंने कर्जा नहीं चुकाया, मेरा चक्रवर्ती ब्याज इतना बढ़ गया, मैं जीवन को समाप्त कर रहा हूँ। आज राजस्थान के अंदर 18,000 से ज्यादा किसानों की जमीन नीलाम हो चुकी, सरकार की कलई खुल चुकी है। और मैं समझता हूँ अभी डॉक्टर राम प्रताप जी कह रहे थे यहाँ के किसान सिंचाई के पानी को लेकर लगातार पड़ाव डालते रहते हैं, पोंग डैम में पानी होते हुए भी यहाँ के किसानों को पानी नहीं मिलता। और सबसे बड़ा कारण है, मैं जो आपकी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, यहाँ हमारा ये इलाका गंगानगर हनुमानगढ़ का इलाका आज मादक पदार्थों की तस्करी के लिए ट्रांजिट रूट बन गया, चिट्टे से हमारे नौजवान पीढ़ी बर्बाद हो रही है। और आज इस सरकार के बारे में तो मैं क्या कहूँ, पर ये जरूर कहूंगा कि 1.5 साल से किसान के कृषि के कनेक्शन के आवेदन पड़े हैं, बिजली आती कम है जाती ज्यादा है, और बिजली को लेकर जो सरकार संस्थागत भ्रष्टाचार कर रही है हमारे सामने है। मैं इस मौके पर कोई लंबी बात नहीं कहूंगा, पर बड़ी खुशी है कि आपके सामने जो लोग आए हैं ये इतिहास की उस विरासत के पद पर दस्त हैं जिन्होंने इस इलाके को सरसब्ज किया। आपका आना हमारे सबके लिए गौरव की बात है। इस गौरवान्वित मंच पर आपका स्वागत करते हुए मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं। सब लोगों से कहूंगा खैर मकदम करो ऐसे महबूब नेता का, परिवार के कार्यक्रम में भी हमारे बीच में है।